दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज सीसीएल के द्वारा लोक सुनवाई रखी गई है जिसमें कि लोगों की बात सुनी जा रही है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ में कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और जहाँ पे लोक सुनवाई हो रही है वहाँ हम आप लोग को ले चलते हैं। के द्वारा सीएसआर फंड से जो टाटा कंपनी करती है उसी से हुआ। आज तक जो सीसीएल सीएसआर फंड लाती है पता नहीं चलता कि सीएसआर फंड का काम कहां होता है। कोल इंडिया बोलेगी पैसा नहीं है पैसा नहीं है, और कोल इंडिया का पैसा कहां जाएगा? बंबई और दिल्ली में। तो यहां के रैयत के लिए क्या काम आप लोग करते हैं पहले ये बताइए। नम जगह को फिर से भरने का काम किया जाए, लेकिन आज तक आप लोग ये बताइए जो खदान बंद पड़ी है कितने खदानों को आप लोग भर के दिए हैं, रैयतों को वापस किए हैं? केदला का जमीन, केदला का जंगल, अभी कुछ दिन पहले पुंडी में जन सुनवाई हुआ, पता चलता है कि सीसीएल कहाँ पेड़ लगाएगी? तो लोहरदगा में, तो लातेहार में। तो क्यों भैया, केदला में जमीन नहीं है? अब केदला का जंगल उठा रहे हैं तो केदला में जंगल लगाइए ना, केदला के लोगों को सुरक्षा दीजिए। आप हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल आज नहीं पता लगता 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। केदला क्षेत्र में 3-4 सीसीएल की कोलोरियां हैं, आज तक शिक्षा के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। चिकित्सा सुविधा एकदम नील है। पानी तो हम लोग गाँव में आयरन वाला पानी मिल रहा है, पाइप का पानी सप्लाई है, ना उसमें फिटकरी डलाता है ना कभी, वो अच्छा से साफ होता है। जो पानी खदान से निकलता है वही पानी ग्रामीणों को बांट दो ताकि पिए और मरे। तो ये क्या व्यवस्था हुआ? कंपनी अगर चाहती है कि हम लोग जमीन तो देते ही है, आज तक कंपनी को जितना जमीन केरला से मिला है उतना नौकरी भी नहीं मिला। हम लोग इसका विरोध ही नहीं करते, हम लोग चाहते हैं केरला में खदान खोले, यहाँ के लोगों को खुशहाली मिले। लेकिन पहला आपका फर्ज है कि आप रैयत को नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए, कंपनसेशन दीजिए। आपके जो योजना, बहुत सारा योजना जो चलता है, सीसीएल का लाल लाडली योजना, ये सब का प्रचार करवाइए ना गाँव गाँव में। आज तक इस क्षेत्र का एक भी बच्चा सीसीएल लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये सब जानकारी कौन देगा हम लोग को? ये सब जानकारी कंपनी के माध्यम से होना चाहिए। आज आपका जन सुनवाई यहाँ पर केदला में ऑफिसर क्लब में हो रहा है। केदला बस्ती, नवाड़ी बस्ती, जोड़ा घोड़ा के बीच में आप क्यों नहीं करवाएं? केदला बस्ती से 4 किलोमीटर दूर क्यों करवा रहे हैं? ये तो बेहतर नहीं है, बेहतर होना चाहिए मेरा गांव के बगल में आप करवाते, जहाँ तीनों गांव चारों गांव को सुविधा होता। लेकिन आप लोग अपना देखते हैं सुविधा कि चलो ऑफिसर क्लब, चलो ऑफिसर जहाँ दूरी में है वहाँ। मेरे गांव में कितने लोग हैं, कितना महिला आए हुए बताइए, पानी के लिए तरस जाती है। एक बार जब पंप खराब होता है ना तो पानी के लिए सोचना पड़ता है,
कंपनी ना आज तक एक कुआं बनवाई है, न कहीं पर जल मीनार बनवाई है, न पाइप का सप्लाई एक बार टूटा फूटा जो है सो है। तो ऐसे नहीं ना होगा सर, एक हाथ से ताली नहीं बनता। हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका जो जवाब दे आप उस पर अपना काम कीजिए, फिर देखिए कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जितने लोगों का यहाँ पर नौकरी पेंडिंग हुआ है, रुका हुआ है, किसी का इंटरव्यू हुआ है, किसी का जमीन आधा चला गया है, अगर आज तक नौकरी नहीं हुआ, वैसे लोगों को पहले आप नौकरी दीजिए ना। देखिए नौकरी आप दीजिएगा, सुरक्षा से जमीन आपको हैंड ओवर करेगा, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। मुहैया कराते हैं आपका डीएबी का बात रही, आपका डीएबी जो चल रहा है केंद्र नंबर है वो हम ही लोग का जमीन में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि डीएबी का रूल सिस्टम में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां सिस्टम है, जिसका नौकरी करता है उसका बेटा को वहां प्रिफ्रेंस मिलता है, दो चार सौ रुपये छूट मिलता है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं सर कि दो चार सौ रुपये उसको छूट मिलता है, और जो उसके जो वहाँ का रैयत है जो सब कुछ है उसको कुछ नहीं मिलता, उसको ज़्यादा पैसा लिया जाता है। ये कौन सिस्टम है, क्या यह सरकार में है? रही बात आपका डीएबी का जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि नहीं हमको सीसीएल कुछ नहीं देती है, तो सर मैं कहना चाहता हूँ कुछ नहीं देती है तो आप वहाँ का प्रिंसिपल को, वहाँ के मास्टर को, वहाँ का प्यून को आप क्वार्टर क्यों दिए हैं उसको? आपको नहीं देना चाहिए, गाँव वाला को देना चाहिए। वहाँ बिजली का मुआवजा कराते हैं, सब कुछ करवाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं मिलता है। आपका जब स्कूल का वहाँ रिपेयरिंग का काम होता है तो चार ही से आपका वहाँ फंड आता है और वहाँ से काम होता है, और हम लोग गाँव वालों को क्या बोला जाता है कि नहीं आप लोग सीसीएल कर्मी नहीं है, आप लोग का पूरा पैसा देना होगा। और रही बात सर
कि हम लोग का यहाँ मैंने जितना गांव बताया यहाँ 5-10 गांव, मैं यहाँ ना हम लोग के यहाँ तालाब बना है ना कुआं बना है। अगर हम सरकार के पास, यहाँ सीओ साहब भी बैठे हुए हैं, अगर सीओ साहब के पास जाते हैं पेपर लेकर के, तो सीओ साहब बोलते हैं क्या कि अरे वो तो मेरा क्षेत्र में नहीं है, वो आपका सीसीएल का क्षेत्र में है, अब सीसीएल से बात कीजिए। अब जब सीसीएल के यहाँ जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि नहीं मेरा यहाँ तो फंडे नहीं। तो सर जो आपका फंड बचता है सर वो कहाँ जाता है सर, सो हमको बताइए। आप बुड़बक नहीं रहा, आप आदिवासी जग गया है, आप एक एक पाए का हिसाब लेगा सर। दूसरी बात, आप बात रही टाटा कंपनी, हम लोग टाटा कंपनी से किसी तरह लड़ झगड़ करके, चाहे कुआं हो, रोड हो, चाहे बिजली हो, हम लोग लेते हैं सर। तो जानते हैं क्या बोलता है, यहाँ से जब ऑब्जेक्शन होता है तो क्या बोला जाता है सर, हम लोग को बोला जाता है कि आप जा करके वहाँ से एनओसी लेके आइए। आप बताइए सर, हम समाज का काम करेंगे, रोड बनवाएंगे, तो क्या हमको यहाँ से पीओ साहब या जीएम साहब आप लोग एनओसी दीजिएगा? अब एनओसी नहीं होने के कारण टाटा कंपनी बनाना नहीं चाहती है। ये रखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ सर, इस मंच पर मैं यही कहना चाहता हूँ दावा करके, यहाँ जितना भी कॉलोनी में जमीन हो चाहे गांव में हो, किसी प्रकार विकास नहीं किया गया है। अगर जमीन अगर जाती है, हम लोग सीसीएल को देने के लिए तैयार हैं, और ये मेरा दावा कि हम देने के लिए तैयार हैं, और हम लोग आदिवासी हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जिसका भी जमीन अगर नौकरी अगर बाकी है या अगर लेते हैं, तो एक कमेटी बनाया जाए और उस जमीन में खड़ा होकर वहाँ डोजरिंग किया जाए, ताकि हम लोग आदिवासी को पता चले कि यह जमीन किसका है और किसका नहीं है और किसका नौकरी हो रहा है। और मैं परियोजना पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पास नोटिस है, हम लोग गाँव वाला बैठ करके, जितना भी 6-7 गाँव का है, हम लोग बैठ करके एक आवेदन देंगे, और जो आपका नोटिस दिया हुआ है किसको नौकरी मिला, कहाँ जमीन है, और सीओ साहब से भी कम से कम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम जमीन है तो उसको बना करके दे दिया जाता है, और उसको नौकरी के चलते वहाँ रहती जमीन को भी किया जाता है। अब बताइए क्या ही नियम है, क्या संविधान है, बताइए। आज बहुत दुख है सर, अभी मैं आप लोगों के साथ दावा करता हूँ, आप इस मंच में खड़ा करके दिखाइए। मैं कहता हूँ कि 10 से 15 ही आदिवासी होंगे यहाँ आए होंगे, और बात बाकी कोई नहीं आए होंगे। क्यों? तो इसलिए कि उसको जानकारी नहीं रहता, अपना रोजी रोटी का काम चलते घाटों में काम करते हैं, वो भी नहीं मिल पाता। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ और गुजारिश कि जो भी जमीन है, जो भी अगर कागज पत्र जमा करते हैं या है, उनको खड़ा करके पूरा गांव वाला को, वहाँ केदरा बस्ती हो, नवाडी हो, गोसी हो या झरना बस्ती हो, कहीं का भी, उसको आप खड़ा करके आप उसको दिखाने का काम करके, भाई इसका जमीन है और यह जमीन सीसीएल में नौकरी इसके मिल रहा है या मिलने वाला है, कोई वास्ता नहीं है। वहाँ टीचर लोग को सारा फैसिलिटी दिए हुए हैं, तो जरूर आपका वहाँ से वास्ता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। और महाप्रबंधक महोदय से हम कहना चाहेंगे कि सीएसआर के तहत जोंडरा घोड़ा केदला बैंक मोड़ होते हुए लइयो चौक तक, यह पूर्व में 1985 में बना हुआ रोड था, यह पूरा खराब हो चुका है, पैदल चलने में भी दिक्कत होता है, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दिन से ये खराब है, इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए। और कोल ट्रांसपोर्ट के लिए बोल रहे थे कि तिरपाल ढंग के ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, अभी भी देखने की चीज है कि कहाँ तिरपाल ढंग के ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। शीशे का तो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, लेकिन तिरपाल ढंग के कहाँ हो रहा है, इससे भी प्रदूषण बढ़ता है और राहगीर को भी परेशान होता है। ओवरलोडिंग के चलते चप्पा उप्पा कोयला गिर जाता है, उसमें हो जाता है, हाई स्पीड के चलते डस्ट उड़ता है, तो चलाने वाला बाइक ड्राइवर को भी काफी दिक्कत हो। आप लोग सीएसआर में जो भी जमीन फैसिलिटी है, केदला में हम लोग का जमीन गया है, उस नाते में बोलेंगे कि गोसी को भी, मैं गोसी गांव से आते हैं, गोसी भी सीएसआर के तहत पानी मिलना चाहिए, पेयजल मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, अस्पताल का फैसिलिटी मिलना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े डिंग हाँकने से प्रबंधन को नहीं होगा। मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि आप लोग सीसीएल प्रबंधन के ऊपर आप लोग लगाम लगाइएगा, तभी होगा, हम लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय भाई, हमारा जो जमीन है उसमें एक भाई को मिला, दूसरे भाई को मिला, तो उनके फैमिली के लिए भी आप जो अन्य सुविधाएं दे सकते हैं उन सब बातों को सुनिश्चित करें, तभी हमारा ये एनवायरमेंट क्लियरेंस का जो जन सुनवाई है सार्थक होगा। और इसीलिए सब चीज़ों को रोका गया, जब 19 में ये खदान बंद होने की बात आई तो ये एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के ही ये चीज़ों को रोका गया, बंद किया गया। नहीं तो 1973 में जब ये आपका नेशनलाइजेशन हुआ खदान का और ये फिल्म चला रहे थे तो चल रहा था, लेकिन अब ये सब पर्यावरण को लेकर के और यहाँ के लोगों का जो यहाँ के जो रैयत है, जो बाशिंदे हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी ज़रूरत को बिना देखे हुए, उनकी ज़रूरत को बिना पूरा किए हुए हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते, और बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। आने वाला समय में हम उम्मीद करते हैं कि आप सब शिशिर प्रबंधन इन सब बातों को देखेंगे।